सिक्योरिटी गार्ड पर किसी ने गन से हमला किया। जब वो पलट कर देखता है तो ये चिंपैंजी का काम होता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये किसने किया। वो लॉक खोलता है ताकि वो उसे सजा दे सके। उसके हाथ में गन होती है, वो ढूंढ रहा होता है कि किसने किया। उसे इस चिंपैंजी पर शक होता है, लेकिन तभी फिर से उसके चेहरे पर कोई गंध फेंक देता है। वो जब देखता है तो वहाँ एक चिंपैंजी खड़ा हो रहा होता है जिसके हाथ में गंध होता है। वो गुस्से से उसे घूर रहा था। वो उसकी तरफ गन करता है उसे शूट करने के लिए, लेकिन तभी नीचे से एक हाथ आता है जो उसे गड्ढे के अंदर खींच लेता है। ये सब उन्हीं की प्लानिंग थी ताकि उस कार्ड की चाबियां चुरा सके। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो पहले अपने लीडर सीजर को फ्री करते हैं, जिसके बाद चिंपैंजी सारे बच्चों को रिहा करते हैं। सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सीजर जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। इतने में उस जगह पे बमबारी होने लगती है। सीजर चुपके से उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो आदमी है जिसने इन सबको पकड़ा था, लेकिन वो खुद बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए वो खुद को ही शूट कर लेता है। इस मूवी का नाम प्लैनेट्स ऑफ द एप्स है। अब वीडियो को लाइक कर दो और अपना नाम कमेंट्स में